बढ़िया ही होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हम लोग चलने वाले हैं CSJM यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर के कल्याणपुर में बनी हुई है। तो आज हम वहाँ चलने वाले हैं, पूरा रिव्यू करने वाले हैं और हम सारे पॉइंट्स अपने कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट की है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, हमारी यूनिवर्सिटी एवरेज पैकेज कितना देती है, हमारी यूनिवर्सिटी में कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने क्लियर करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी हमें कितने कोर्स प्रोवाइड करता है, कितने तरीके के प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी के बाद, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब हम यूनिवर्सिटी जाके लेने वाले। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मैं आपसे ये कहूंगा थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि कैंपस क्योंकि बहुत ही बड़ा है, तो थोड़े से टाइम तो लगेगा ही कवर करने में, और पैदल कवर करना है और अकेले कवर करना थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा वीडियो अच्छे से बन पाए और पूरा एक्सप्लोर कर पाए और सब जानकारी आपको दे पाए। तो हम लोग निकल चुके हैं अब घर से, हम लोग अभी IIT कानपुर पहुंचे हैं, यहां से 2-3 सेशन बाद हमारा CSJM यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला है, तो चलिए मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई मेट्रो पे ब्रिज होने का फायदा तो बहुत है, हम लोगों को धूप नहीं लगती गर्मियों में, भाई धूप ना लगे इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। भाई चाचा बहुत खुश हो आज, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है ये। तो गाइस फाइनली हम लोग यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच चुके हैं, चलिए चलते हैं अंदर और पूरा रिव्यू कैप्चर करते हैं और दिखाते हैं आपको वीडियो में अंदर क्या क्या है। नज़ारा है यूनिवर्सिटी के बाहर का, पहुंच चुके हैं हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये है यूनिवर्सिटी की पार्किंग, ये है एंट्रेंस, ऐसे यहाँ पे हम लोग आएंगे और वहाँ पे घूम के यहाँ से ये है हमारी पार्किंग, और अंदर उन्हीं बच्चों को जाने देते हैं, सिर्फ वही बाइक और कार जाती हैं जिनमें होते हैं पास। तो चलिए चलते हैं अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर आते ही सबसे पहले पड़ता है ये पार्क, और हम लोग चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर का क्या व्यू है। भाई तो भाई बहुत ही तगड़ा व्यू है इसके अंदर का, काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है, हमारा नेशनल फ्लैग, जय हिंद। तो वहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आराम से फ्री पीरियड होगा तो अपना बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू बना हुआ है, पार्क का नाम है छत्रपति साहू जी महाराज वाटिका पार्क, जिस पार्क में अभी हम गए थे। कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और कुछ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं क्लासेस की, तो सब अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से खड़े हैं, कोई जा रहा है, पर चल रहे हैं, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर, किसी का सब सेकेंड सेमेस्टर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो बच्चों का सब कुछ अलग अलग ही होता है। तो पहली बिल्डिंग ये है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर प्रशासनिक भवन। तो ये है हमारा गंगा गर्ल्स हॉस्टल, जो कि यहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल है, ये है नम्रता मार्ग। अंदर आते ही एक ये बिल्डिंग पड़ी, सेंटर ऑफ प्लेसमेंट एल्युमिनी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सी फेयर। चलिए अंदर चलते हैं, स्टूडेंट्स पेंटिंग कर रहे हैं वॉल में। ये रहा एक और डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड यूजी ब्लॉक। कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस ये। तो यहाँ पे है ये गणेश शंकर विद्यार्थी केंद्रीय पुस्तकालय, मीन्स लाइब्रेरी। चलिए चल के देखते हैं अंदर कैसी है लाइब्रेरी अपनी। तो भाई लाइब्रेरी के अंदर कुछ यहाँ काम चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है। भाई हमारी लाइब्रेरी सारी बुक्स लगी हुई हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग, मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग जो है सब लगा हुआ है। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है भाई, देख ली भाई हमने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो अच्छा है, लेकिन लाइब्रेरी में कीप साइलेंस नाम का कोई चीज़ नहीं, अंदर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, पूछो मत, देखा होगा अपने वीडियोस में। बाकी बुक्स सारी मिल जाएंगी अंदर भाई आपको। डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्लॉक ए। ये इसके सामने है पार्क, पार्क को अच्छे अच्छे बना रखे हैं भाई। यूनिवर्सिटी का पहला चौराहा आ चुका है भाई, और ये है भाई ओपन जिम, जहाँ पे कोई करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। विश्वेश्वर महादेव टेम्पल, चलिए देखते हैं अंदर जाके। तो गाइस अभी तो मंदिर बंद है, बाहर से ही देख लेते हैं। यह
है गाइस मल्टीपर्पस हॉल, पानी पीने के लिए घड़ा रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है ठंडा ठंडा। हाँ भाई पानी भरा हुआ है। हमारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्लॉक बी, तरीके का व्यू है भाई अंदर से। ये आ गया भाई इंटरनेशनल सेंटर, इस तरह का बना हुआ है ये लो भाई का। दूसरा चौराहा आ गया भाई यूनिवर्सिटी का। पैदल चल चल के अपनी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही तेज है। ये बना है भाई अपना मेडिकल गार्डन, बना हुआ है वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई प्रक्षाग्रह, रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है, पहले से ही अपडेट हुआ है कि पहले ये किसी और मतलब अलग तरीके का दिखता था। इसी के बगल में बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, कला देखिए भाई आप। ये डर रही कि डरा रही, इसने ठुल्लू को उल्टा कर दिया है। इस आर्ट का मतलब क्या है हमें नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करना भाई। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है भाई, बेचारे बाबा धूप में सोते हुए और खड़िया। पापा उसके दो बच्चे, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, चेक करो भाई अंदर से। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही लगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी है भाई, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा बना रखा है। ये चेक करिए गाइस अमृत सरोवर, देखिए इसके अंदर क्या है देखते हैं भाई साहब। अच्छा लग रहा है काफ़ी, अमृत सरोवर सेफ वाटर। तो गाइस आ जाते हैं हमारा जो पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है। तो यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये 9 फरवरी 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी। और एवरेज पैकेज की बात करें तो एमबीए और एमकॉम का INR 30.20 LPA है और बी फार्मा का INR 2 लाख पर एनम है और एम फार्मा का INR 2.50 लाख पर एनम है। यहाँ के वाइस चांसलर विनय कुमार पाठक हैं। अब आ गए हम वन स्ट्रोक के सामने जो कि स्विमिंग पूल है, वैसे ही हमारा स्विमिंग पूल एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है स्विमिंग पूल। अभी तो इतनी धूप है कि पागल हो जाए। ये है गाइस हेलीपैड एरिया, वो बना है सामने हमारा हेलीपैड। गाइस हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा स्टेडियम बना हुआ है, हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सेल। यहाँ पे हमें कोई भी हमारी जो समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो डिग्री से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो हम यहाँ आके पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है, पैर दर्द कर रहा है, इतनी तेज़ धूप थी पूरा फेस देखो कैसे लाल हो गया, खूब टैनी हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गया। अभी तो आधा कैप्चर हुआ है, हम लोग उस पार्ट तो अभी गए नहीं हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से एकदम सीधा अंदर आए हैं। अभी यूनिवर्सिटी से राइट साइड का एरिया वो हमने अभी कवर किया ही नहीं, जहाँ पे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट, अभी हम उधर नहीं गए। अभी हम यहाँ से पूरा निकलेंगे बाहर, कम से कम बाहर 3-4 किलोमीटर होगा, फिर उसके बाद उधर जाएंगे भाई। बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहाँ पे अच्छी जानें लिखी हुई हैं, मानवता का सेवा सर्वोच्च धर्म है। ये देखो भाई व्यू इस पार्क के सामने से, इस मेट्रो जाती हुई हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एकदम चलने लायक नहीं बचे हैं पैर, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। अभी तो आधा बचा है,
सीएसजेएम यूनिवर्सिटी 7 प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और पीएचडी प्रोग्राम हो गया, और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया, स्कूल वाइज प्रोग्राम हो गया। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी जो है 265 एकड़ में बनी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। पेंटिंग चेक करो गाइस, इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक्स ओवर। ये रहा हमारा स्कूल ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई जो मास्टर्स करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, अभी तक मास्टर्स इन कैंपस नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने ऑन कैंपस मास्टर्स कर दिया है, तो अब आप मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन कैंपस भी कर सकते हो। स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये हमारी सेंट्रल इवोल्यूशन बिल्डिंग। ये है भाई हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। ये है भाई हमारा हेल्थ सेंटर। तो भाई कितना प्यारा है भाई हमारा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये आ गया भाई हमारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। यहाँ के नज़ारे देखो गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। ये मुझे पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, शायद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये जहाँ तक। काफ़ी तगड़ा व्यू है, ये बच्चे मज़े ले रहे हैं दूसरे के। ये चेक करो भाई कितना प्यारा व्यू है, सारे फूल गिरे हुए हैं नीचे। ये है भाई हमारी केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्डिंग, जिसके अंदर अभी हम गए थे वही थी ये। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये है भाई हमारा कंप्यूटर सेंटर। मेनली गाइस सारे डिपार्टमेंट कवर अप हो गए हैं। साल इस यूनिवर्सिटी से 7 लाख बच्चा पढ़ाई करके निकलता है। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज कानपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अटैच हैं, जैसे कानपुर नगर, कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, इटावा डिस्ट्रिक्ट, औरैया डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। इन सभी में ये कॉलेज की एफिलिएटेड है। जो कानपुर नगर में जो सबसे टॉप पे आता है वो है क्राइसिस कॉलेज, जो कि KN01 है, जो कि हमारा बड़ा चौराहा में बना हुआ है। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी हमें 400 अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। सीएसजेएम को नैक टीम से बी ग्रेड मिला हुआ है। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट टोटल एफिलिएटेड कॉलेज 952 हैं। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो या आप यहाँ से पढ़ चुके हो, पास आउट हो चुके हो, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। मैंने इस वीडियो में सारे डिपार्टमेंट को कवर करा है, अगर कोई डिपार्टमेंट छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और घंटे वाले बटन पर घंटा प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप घंटा भी मिस ना कर पाओ। चलिए मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।